थैंक यू सो सो मच. तो आज हम बलून्स लेने जा रहे हैं. 4 मिलियन आप सब देख रहे हो हमारी स्टोरी. थैंक यू. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है. और मेरा नाम सिद है. और हम अपना नया घर बना रहे हैं. तो वेलकम बैक. इस हफ्ते हम बैक टू वैन है, जैसे कि आप देख रहे हैं हम यूनिफॉर्म में हैं. पिछले हफ्ते आप हमारे साथ मेलबर्न आए थे और हमें दिखा था एक लीक. तो पीछे मुड़ के देखा तो पानी आ रहा था. यहाँ पे इतना सारा पानी आ रहा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. हम देख रहे हैं कि किस चीज से आ रहा है, क्यों आ रहा है. तो सबसे बड़ा काम इस हफ्ते का है ये लीक फिक्स करना. और अगले हफ्ते हम अपना इलेक्ट्रिकल्स का काम कर रहे हैं. तो उस इलेक्ट्रिकल काम के लिए हम अपने वैन को सारा प्रिपेयर कर रहे हैं. तो चलो शुरू करते हैं. ओके, तो अब मैं अपना फोन का लाइट लूंगी और आपको दिखाऊंगी कि ये गैप कहाँ से आ रहा है. ऑनेस्टली दुखी हो गए हम. इधर लगा रही हूँ. ओह वाओ, ये सब आपको अंदर से जो लाइट आ रहा है हमने फोन लगाया है. तो ये टायर जब हाई स्पीड पे फिरता है गोल 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 और बारिश हो रही होती है तो ये पानी फ्लिक करता है ऐसे, लेकिन इतनी स्पीड से फ्लिक करता है कि ऐसा हाई प्रेशर होज जैसा हो जाता है कि बिल्कुल इस गैप में जाकर अंदर से फुल लीक हो जाता है. इट्स जस्ट लक. हाँ, ऑनेस्टली लक है. पहले हम सोच रहे थे कि इतनी बारिश हो रही है, हम कितने अनलकी है कि मेलबर्न जाते वक्त इतनी बारिश हो रही है. पर सच्ची में सब कुछ कोई रीजन से होता है. कभी भी आप सोच रहे हो कि अरे यार ये मुसीबत मुझे क्यों आ रही है, ऐसे कभी भी मत सोचना. हर चीज का कोई रीजन होता है. Yeah, we thought the rain was the worst thing ever. हाँ, हम सोच रहे थे कि बारिश हो रही है, ये हमारे इससे कोई बुरी चीज हो नहीं सकती. इतनी लंबी ड्राइव पे जा रहे हैं और बारिश हो रही है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती हमें ये लीक नहीं मिलता. And it's crazy that I found it too. Like where it's coming from, so we can fix it. तो अब जो हमें ये लीक मिल गया है, कहाँ से गैप आ रही है, हमें ये सीलेंट यूज करके सब ये गैप सील कर दूंगा ताकि फिर से लीक ना हो. तो इधर हम सारी फिलिंग कर रहे हैं. ओके, अब हमने यहाँ पे इसको पूरा बांध दिया है. होपफुली ही अब फिर से कभी भी लीक नहीं होता, पर हमने लीक टेस्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो फोम डाला था वो पानी के कारण थोड़ा मोल्डी हो गया था तो काला पड़ गया था, तो वो सेक्शन मैंने काट दिया है. सीलेंट लगा देंगे ताकि और एक थोड़ा अंदर से भी वाटर प्रूफ बैरियर हो जाएगा. ओके, अब हमने इसको सीलेंट के साथ पूरा सील कर दिया. फिंगर्स क्रॉस की ये इसके साथ कुछ नहीं होता और ये पूरा वाटर प्रूफ रहता है. और अभी हम व्हीट पिक्स खा रहे हैं नाश्ते में. यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन लोग व्हीट पिक्स बहुत खाते हैं ब्रेकफास्ट में. थोड़ा सा बोरिंग खाना है. बेसिकली मैं वेस्टर्न खाने को बोरिंग खाना कहती हूँ. अगर मसालेदार खाना नहीं होता, मेरा तो फेवरेट है आलू का पराठा खाओ सुबह या रोटी या सब्जी. ये है व्हीट पिक्स. ये बेसिकली बस छोटा सा, आई डोंट इवन नो, लाइक व्हीट है. तो दूध डाल दिया और अब इसके ऊपर हल्का सा चीनी, मतलब नट्स भी डाल सकते हो इस पे. थोड़ा सा दूध बिखर गया. चलो यार इसको पोंछती हूँ. ओके गाइस, आज का दिन बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है. आज हमने 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं हमारे. थैंक यू सो सो मच. तो आज हम बलून्स लेने जा रहे हैं. लेट्स गेट बलून्स. अब हमें अपने बलून्स मिल रहे हैं. Oh my God, guys, इतना मजा आ रहा है. इतने सारे बलून्स ले रखे हैं. सिद का मम्मी का बर्थडे भी है आज, तो हमने उनके लिए भी बलून्स ले रखे हैं. ओके, तो अब हम जा रहे हैं बनिंग. ये है ऑस्ट्रेलिया का बड़ा क्या कहते हैं, हार्डवेयर स्टोर. यहाँ पे सब कुछ मिलता है. सिद के हाथ हमेशा गंदे होते रहते हैं तो ये ले लेते हैं. उसको है ना ग्लव्स पहनने अच्छे नहीं लगते, तो ये ले लेती हूँ. और बताना अगर आज की फुटेज ज्यादा स्टेबल लग रही है. पिछले हफ्ते के व्लॉग में आप सब कह रहे थे कि हमारा कैमरा बहुत हिलता है, तो हमने एक स्टेबलाइजर लिया है. ऑनेस्टली जितना भी हिलाओ मैं इस कैमरे को कुछ नहीं होता. ओके, तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम कौन सा पेंट कलर यूज़ करेंगे हमारे फ्लोरिंग के लिए, क्योंकि हम अपने फ्लोरिंग को पूरा लाइक वाटर प्रूफिंग करेंगे. तो हम सोच रहे हैं कि ये वाला जो नीचे है, तो हम ये वाला पेंट ले रहे हैं. सारा पेंट कलर मिक्स कर रहा है.
तो ये वाला ब्रश ले रहे हैं रोलर, इसके साथ हम अपना पूरा पेंटिंग कर लेंगे। और अभी हमें एक ब्रश को भी देखना है, और हम ये वाला ब्रश ले रहे हैं पेंट किट, तो हमारा सारा पेंटिंग का सेट हो गया। और चलो हम घर पहुंच गए हैं, ये है आज का लंच। वैसे तो हम ज्यादातर रोटियां नहीं बनाते, तो आज ब्रेड के साथ खा रहे हैं, थोड़ा सा महाराष्ट्रन अचार, सिडपू महाराष्ट्र से है, थोड़ा सा अचार, और यू खा लिया। अच्छा बना है। चलो खाना खाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम अपने वैन पे काम कर रहे हैं, कल हमने अपने 4 मिलियन के बलून्स खरीद लिए, तो उसका आज फोटो शूट करेंगे। और आज हम अपना नया गिम्बल यूज कर रहे हैं। अगर आपको इस कैमरे की फुटेज अच्छी नहीं लगी प्लीज हमें बता देना, हम वापस अपना दूसरा कैमरा यूज करना शुरू कर देंगे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस सुबह हम किल मैट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्रिप लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे ये वाला नहीं लगाया अभी तक। This is very good. थोड़ा महंगा है, लेकिन it's very good stuff. चलो तो ये है हमारा किल मैट का डब्बा। ये पूरा डब्बा $150 का है, थोड़ा सा महंगा है, पर इससे हमारे वैन में बहुत ही ज्यादा फर्क आ जाएगा। इसको बस यू पील ऑफ करते हैं सारा। चलो ये सारा यू पील कर दिया, अब मैं इसको अब यहाँ पे ऐसे चिपका दिया। अब मैं इस रोलर को लेती हूँ, और इसमें ये छोटे से ग्रूव्स है, बहुत हेवी सा है, और फिर इसको बस ऐसे रोल कर देते हैं। Done. हम तो बस यही करते रहेंगे थोड़ी देर के लिए, तो आप सबको टाइम लैप्स पे लगाती हूँ। Peel off हो गया, सारा stick on हो गया। अब हम इसको पूरा निकालेंगे अपने मैट्रेस को और बेड फ्रेम को। चलो इसको अंदर लेके जा रहे हैं। ओके, अब मैंने कपड़े बदल लिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म में हूँ। प्रॉपर नहीं, अलग है। ओके, थोड़ा उम्पा लुम्पा के तरह लुक लग रही हूँ। आई डू उम्पा लुम्पा। तो बेसिकली अब हम बाकी का किल मैट लगा दिया है, तो दूसरी बात, अब ये जो बेड फ्रेम है हमने इंस्टॉल किया था मेलबर्न के ट्रिप के लिए, क्योंकि हम वैन में सो रहे थे, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है, तो हम हटा देंगे। अब इसको हटा के हमारे पास जगह होगी ताकि हम इसके अंदर काम कर सके, क्योंकि अगले हफ्ते हम अपने इलेक्ट्रिशियन के पास लेके जा रहे हैं हमारे वैन को। हम इलेक्ट्रिकल्स खुद कर सकते थे, पर ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको अपने वैन को इंश्योर करना है, सारे इलेक्ट्रिकल्स प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन को करने होते हैं, और एक इलेक्ट्रिशियन का सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। यहाँ जगह करनी है, इसलिए बेड फ्रेम सारा रिमूव करेंगे, तो हम इसके ऊपर एक वाटर प्रूफ पेंट लगा देंगे इस फ्लोर पे, ताकि और थोड़ी प्रोटेक्शन मिल जाए। तो चलो। ओके, अब मैं इस बाल्टी के साथ जो सारा हमने सैंड करा है ना, उसको बस हल्का सा पोछेंगे, क्योंकि इसको पोछने के बाद हम इसको पूरा पेंट करेंगे। तो कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा पानी ना आने दो, तो लाइटली पोछते हैं। ओह, देखो पानी कितना गंदा हो गया। बस ये आखिरी सेक्शन पोछते हैं। इस पे लिखा है डू नॉट पेंट ऑन एक्सेसिवली कोल्ड और ह्यूमिड डेज। आज काफी ह्यूमिड डे है। Excessively, I don't know. Excessively, nah. I think it's fine. The humidity seems to be disappearing. तो अभी पता नहीं क्यों सिडनी में ज़्यादातर humidity नहीं होती, मतलब जब गर्मी का दिन होता है बहुत गर्मी होती है, पर आज इतनी humidity है, और हमारे पेंट के डब्बे पे लिखा हुआ है कि जब इतनी गर्मी होती है तो पेंट मत करो। But हमें ये vandal finish करना है, तो हम करेंगे बाद के बाद में, देखेंगे अगर प्रॉब्लम आए। तो यहाँ पे बहुत सारी बारिश हो रही है, और जब भी हम ये दरवाज़ा खोलते हैं यहाँ से ही अंदर बाहर जाते हैं, तो आई थिंक क्योंकि बहुत सारा पानी इस पे आ रहा है और हमारा पैर फिर टकराता है, थोड़ा चिप हो गया। तो बस हल्का सा ग्लू लगा दिया,
तो हमें बस तीन चीज चाहिए पेंटिंग के लिए, पेंट, पेंट का ट्रे और ये है हमारा पेंट रोलर। तो हमने एक बहुत छोटा सा रोलर ले रखा है क्योंकि जब पेंटिंग करते हो आधा पेंट इस रोलर में एक्चुअली सक हो जाता है। तो हम बड़ा रोलर ले सकते थे ताकि जब बहुत क्विकली से सब कुछ हो जाए, पर फिर आधा पेंट हमारा खत्म हो गया होगा, पर फिर इसलिए हमने बस छोटा सा डब्बा लिया है और छोटा सा रोलर और दैट्स इट। तो पहले में बस इसको खोलोगे और फिर एक स्क्रू ड्राइवर के साथ खोलोगे इसको। तो एक ही कोने पे ज्यादा नहीं खोलना, नहीं तो डेंट आ जाता है लिड में। और फिर ये है हमारे पेंट का कलर। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। वी डिड अ गुड जॉब इन पिकिंग द राइट कलर, है ना? और बस इसको पोर करना है। ओके, 3, 2, 1 और अब बस इसको पेंट करना है। सबसे कलर कितना सिमिलर है आप बताना कि हम अपना फ्लोरिंग लाइक किस ढंग का करें। सारे के सारे एजेस कर लिए है। याद आया कि हमने तो ये खरीदा था, अब इसके साथ पेंटिंग करते हैं। जब हम बड़े हो रहे थे, मैं और भैया बहुत सारा पेंटिंग करते थे, मतलब घर का रेनोवेशन करना। आई थिंक ये सीट का पहली बार है पेंटिंग करना। पहली बार नहीं कर चुका हूँ, लेकिन बहुत ही छोटा था जब किया था, तो कोई बात नहीं, ये भी सीख लेते। लेट्स गो। ये रहा हमारा नंबर 4। ओह कितना प्यारा लग रहा है ना। तो अभी हम इधर खड़े होके एक छोटा सा फोटो शूट करेंगे। सच्ची में गाइस यकीन नहीं आ रहा कि 4 मिलियन आप सब देख रहे हो हमारी स्टोरी। थैंक यू। अरे 4 बार अब हमने एक कोट का पेंट कर लिया है, दूसरा कोट करने वाले हैं। सिट को लग रहा है कि ड्राई नहीं हुआ, मुझे लग रहा है ठीक है। फिर मैंने एक घंटा हो गया ड्राई होते हुए, इस पे चिप चिप आवाज आ रहा है, लेकिन मैंने चप्पल देखा तो ये देखा। तो अब हम सारे एजेस करने वाले हैं। कैसा चल रहा है? गुड, बस ये एजेस कर लेता हूँ। ओके गाइस, तीसरा कोट हो चुका है, अभी सिट कर रहा है। इतनी गर्मी हो रही है, इतने पसीने हो रहे हैं। ऑनेस्टली अगर आप मुझे छूओगे ना, ऐसा लग रहा था कि मैं पानी में भीग चुकी हूँ, इतने पसीने आ रहे हैं। सी योर फर, ओके, तो जहाँ मैं खड़ा हूँ एक्चुअली थोड़ा सा पेंट वेट है, इधर से जल्दी से हट जाता हूँ, लेकिन आई थिंक ये पूरा पेंट हो चुका है, सो होपफुली इट शुड बी वाटरप्रूफ। अच्छा तो दिख रहा है, लुक्स गुड। चलो आज के लिए पैक अप। ओह नो, माय फुट मार्क्स वर ऑल ओवर। सिट के पैरों का निशान लग गया था। ओके, फाइनल कोट। हाँ गाइस, अगर आपको ऊपर दिख रहा है, सारा किलमेट भी हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम बीच जा रहे हैं, अभी 5 बज रहे हैं और हम सीधा सनराइज देखने जाएंगे। चलो बीच पे मिलते हैं। Can't believe कि हम इतनी जल्दी उठ के सनराइज देखने जा रहे हैं, सूरज को जागते हुए देख रहे हैं। So early. बहुत ही ज्यादा जल्दी है हमारे लिए।
हम इतनी जल्दी, तो हम जब काम करते थे ना माइनिंग में, इंजीनियरिंग में, हम इससे भी ज्यादा उठते थे, हम तो 4:30 उठते थे, और अभी तक तो काम पे पहुंच चुके होते थे। ओके, हमने एक पार्किंग जगह ढूंढ ली है। आज ऑस्ट्रेलिया में एक पब्लिक हॉलीडे है, तो ऑलरेडी पार्किंग बिल्कुल भर चुकी है। हमारे थोड़े से और फ्रेंड्स हमसे मिलने आ रहे हैं यहाँ पे, चलें पीछे चलते हैं। It's so packed, it is phenomenal. Oh my gosh, इतने सारे लोग आए हुए हैं। हमने आपको बताया था ना कि ऑस्ट्रेलिया में जब गर्मी के दिन होते हैं पूरी दुनिया बीच फोड़ जाते हैं। Honestly, मुझे लगा कि यहाँ कोई नहीं होगा, सिर्फ हम होंगे, लेकिन इतनी भीड़ है, it is crazy, there's so many people. ये रे ढेर सारे लोग जॉगिंग के लिए आए हुए हैं, उधर लोग अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये रहा था हमारा सनराइज एक्सपीरियंस, सो मेनी लोग हैं यहाँ, आप शायद देख सकते हैं। मैं तो खुश हूँ कि हम आए, अब हम एक कॉफी लेंगे, वैसे तो हम कॉफी नहीं पीते, चाय पीते हैं, लेकिन ये चाय की दुकान होगी नहीं, यहाँ पे चाय नहीं होगी, तो कम थोड़ी कॉफी ले लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी उठे हैं हम भी अपने टाइम के हिसाब से। मिलते हैं कॉफी लेके। ओके गाइस, हम अभी कॉफी शॉप में खाना खा रहे हैं। हाय, मेरा नाम निक है और मैं प्रिया के बाजू में बैठा हूँ। नमस्ते। और फिर हम बीच जाएंगे स्विमिंग के लिए। हाँ दोस्तों, तो ये है हमारी दोस्त अवनीशा, ये भी थोड़ी हिंदी बोल लेती है, थोड़ी बहुत बोल सकती है, ये भी हिंदी बोल सकता है। नहीं, आई कांट स्पीक एनीथिंग। ऑकवर्ड। आज का बीच का डे हो गया, इतनी गर्मी हो रही है, लग रहा है कि मैं पिघलने वाली हूँ आइसक्रीम की तरह। बहुत ही सनी है, काफी सैंडी भी हो चुके हैं, लेकिन अब नहा लिया है, अब नेक्स्ट लंच जाएंगे। और हाँ, हमारा सारा का सारा सामान गीला हो गया, एक वेव आई, सब कुछ खलास। अब देख सकते हो हम अपना सारा का सारा सामान ड्राई कर रहे हैं। और हाँ, हमारा तौलिया भी पूरा का पूरा गीला हो गया, तो मैंने अपने टोपी के साथ अपने बदन को पोंछा लगी हूँ डब 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 करके। ओके दोस्तों, तो इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि हमारा सारा इलेक्ट्रिकल होने वाला है, तो इलेक्ट्रिशियन ने हमें कहा था कि ज्यादा और काम नहीं कर सकते वैन में, इसलिए इस हफ्ते थोड़ा स्लो हुआ था, क्योंकि उसको जो वायरिंग लगाने हैं सब पीछे, तो और ज्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसको जगह चाहिए ताकि वो उनके इलेक्ट्रिकल की वायर्स डाल सके। तो इस हफ्ते की वीडियो को एंड करने के लिए हम थोड़े से कमेंट्स भरेंगे। ऑनेस्टली आपके कमेंट्स जो आप सब छोड़ते हो, दे आर आवर फेवरेट, हम इतना ज्यादा एंजॉय करते हैं इनको पढ़ने में। तो ये वाला है कि आप दोनों की फैमिली कितनी क्यूट और स्वीट है, जूली आप बहुत लकी हो कि, मैं बेसिकली इसको ट्रांसलेट कर रही हूँ हिंदी में, स्क्रीन पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपकी दोनों फैमिली अब बहुत पॉजिटिव है, अच्छा एटमोस्फियर है और बहुत अच्छे लोग हैं। हाय अनन्या, थैंक यू, आप हमारे वीडियोस देखते हो बिहार से। हाय अनन्या, हम बिहार एक दिन जरूर आएंगे, बताना कि बिहार में कौन सी जगह जाए। ओके, ये एक क्वेश्चन है जो इंस्टाग्राम पे पूछा है, आप इंडियन हो या ऑस्ट्रेलियन हो, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। थैंक यू कि आपको हमारी हिंदी अच्छी लगी, बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इससे पहले मैं ज्यादा हिंदी कभी बोला ही नहीं, मैंने आपको शायद नोटिस कर सकते हो कि हिंदी मुझे तो ज्यादा आती नहीं है, सिर्फ मराठी है, मराठी है, लेकिन नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र है तो वो मराठी बोलता है घर में, लेकिन हिंदी पिक्चर देख के हिंदी समझ में तो आती थी, लेकिन बात नहीं करता, लेकिन अब प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ आपसे हिंदी में बात करने की, तो आई थिंक काफी इम्प्रूवमेंट है। तो हाँ, यस, हम दोनों इंडियन है, मैं हरियाणा से हूँ और सिर्फ महाराष्ट्र से। एक्चुअली ये भी सही नहीं है, हम एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन और इंडियन है, प्रिया हरियाणा से नहीं है, प्रिया के पेरेंट्स हरियाणा से है, प्रिया तो सिडनी में से है, she was born and raised in Sydney, Australia. लेकिन मेरे मम्मी पापा हरियाणा से है। Where are you from? You are Australian. ऑस्ट्रेलियन लोग कहते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया से नहीं है। ना, you were born in Australia. हाँ, but ऑस्ट्रेलियन लोग पूछते हैं आप कहाँ से हो, फिर मैं कहती हूँ इंडिया से हो, हम दोनों अब कह रहे हो कि मैं इंडिया से भी नहीं हूँ। आप सब बताओ, कुत्ता ना घर का ना घाट का। आप सब बताओ, मैं ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई हूँ पर मैं इंडियन हूँ। हम दोनों हैं, हम दोनों हैं, हम इंडियन भी है, ऑस्ट्रेलियन भी है।
हाँ कंफ्यूजिंग है। तो हिंदी भी आती है, मराठी भी थोड़ी आती है, पंजाबी थोड़ी समझ आती है और इंग्लिश बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हमें आपका रोड ट्रिप बहुत अच्छा लगा, आपके भैया भाभी और मम्मी पापा से मिलके बहुत अच्छा लगा। वो भी आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, अब आप उनसे मिल चुके हैं लेकिन वो आपसे भी मिलते हैं कमेंट्स के थ्रू। अगर आप आपके बारे में थोड़ा और शेयर करना चाहते हैं तो हम कमेंट्स में पढ़ लेंगे, हमारे पेरेंट्स फैमिलीज भी पढ़ते हैं, मम्मी पापा हम दोनों साइड सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और आप सबने उनको इतना सारा ढेर सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। वो कमेंट्स पढ़ के इतने खुश हो गए, काफी कमेंट्स थे मेरे आई के बारे में, सो मम्मी के बारे में, तो आई बहुत ही खुश हुई, उनका बर्थडे भी था, सो शी वाज वेरी हैप्पी। मुझे आपके ब्लूपर्स बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक यू गाइस, बिकॉज़ तो ब्लूपर्स हमारा थोड़ा अनकट वर्जन होता है क्योंकि हमारे वीडियो के सबसे आखिर में होता है और जो भी हमारे वीडियो के आखिर तक रहता है आप इसका मतलब है कि हम बेसिकली फैमिली है। तो ऐसा लगता है मुझे कि मैं अपने फैमिली को दिखा रही हूँ जो हंसी मजाक वाले मोमेंट्स थे। और हमारी फैमिली में जोक्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो हंसी मजाक बहुत ही होता है, आपने देखा होगा थोड़ा। और हाँ, इस हफ्ते के ब्लूपर्स जरूर देखना, जब समुद्र की लहरें आते हैं, वॉच दैट, इट्स फनी। हाँ, ये कमेंट कह रहा है कि प्लीज किसी का हेल्प ले लो क्योंकि आपका वाटर लीक देख के हमें बहुत दुख हुआ। तो अगले हफ्ते हम एक बिल्कुल एक एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल्स के लिए, आई थिंक ग्लेन नाम है उसका, तो आप ग्लेन से भी शायद मिलोगे अगर वो अगर वो इसको एतराज ना हो यूट्यूब में आने का। हाँ। लेकिन मैं उसके साथ इलेक्ट्रिकल्स पे थोड़ा काम करूंगा, सो Very exciting video coming up. हर हफ्ते की तरह प्लीज हमसे कमेंट्स में बात करना, वही हमारा कम्युनिकेशन का ढंग है, तो प्लीज 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 बताना। हाँ, वरना सिर्फ आप हमारी आवाज रोज सुनोगे लेकिन हम आपकी आवाज भी सुनना चाहते हैं। yeah, तो इस हफ्ते के लिए बस इतना ही दोस्तों, और अगले हफ्ते मिलते हैं, bye bye. The waves are huge. Crazy for. Oh. What is it? It's poly. It's a sealant. Poly sealant. Just call it sealant. Friends ko hindi mein kya kehte hain? Like sahelia to ladki hi hote hain, par fir dost ladke hote hain ya both dono ladke ladkiyan? Pata nahi. Is hafte zyada nahi kiya. Dekho ka. I'm gonna quit that.